झारखंड आंदोलनकारियों के लंबे लड़ाई के बाद झारखंड राज्य मिला और ऐसे में हेमंत सोरेन ने फैसला लिया है कि आंदोलनकारियों के आश्रितों को नौकरी दी जाएगी, वहीं आंदोलनकारियों को पेंशन देने की भी मंजूरी दी गई है। ऐसे में जो आंदोलनकारी रहे हैं, झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा चुके झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान में विधायक और पूर्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं ये जो फैसला हुआ है सरकार की ओर से, आपको लगता है कि देर से हुआ और काफ़ी पहले मिलना चाहिए था? 20 साल हो गए इस जो आज घड़ी आई है, वो 20 साल बाद ये अवसर मिला झारखंड आंदोलनकारियों को, वो सम्मान मिला। देखिए, माननीय हेमंत सोरेन की जो सरकार है, कल का ही कैबिनेट में जो फैसला लिया है, उस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। और आशा था कि कम से कम दो दशक आज हो गया, दो दशक के बाद ये फैसला आया है और इस फैसले के स्वागत करते हुए पुनः लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग 1 मार्च को एक कार्यक्रम हमारा झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का है, उस मोर्चा के माध्यम से जो त्रुटि रह गया है उसको भी दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री की समझ इस बात को भी हम लोग रखे हैं और रखेंगे कि अभी जो चिंतितकरण है मुख्य उसको होना चाहिए, क्योंकि झारखंड आंदोलन में अभी जो आवेदन दिए हैं 73,000 के करीब है और मात्र 5,000 के लोग को ही चिन्हित करके उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो इस पर जो और भी त्रुटि है कि भाई जो जेल गए हैं उन्हीं को हम आर्थिक सहयोग करेंगे, तो बहुत सारा ऐसा लोग है जो आंदोलनकारी हैं, चिन्हित भी हो गया है लेकिन उनको किसी तरह का अनुदान नहीं मिल रहा है। ऐसे परिस्थिति में जो भी आंदोलनकारी होंगे उसको समान रूप से उनको मिलना चाहिए सम्मानित। एक बड़ी बात है कि जो आंदोलनकारी हैं उनको तृतीय और चतुर्थ की नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, ये आरक्षण लगता है कि लोग आशंका जता रहे हैं कि उनको चपरासी की भी नौकरी मिल सकती है, बानी माली की भी नौकरी मिल सकती है और तमाम तरह की जो 4th ग्रेड की नौकरियां मिल सकती हैं, तो ऐसे में आंदोलनकारियों को जो सम्मान देना है वो सम्मान आप लोगों की नज़रों में दिखाई देता है? देखिए, वो जो हम लोग जो नौकरी के जहाँ तक बात है तो उसमें हम कोई क्राइटेरिया नहीं बांध रहे हैं, हम लोग 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में जो भी नौकरी मिलेगा ये काफ़ी है, लोग इस पर संतुष्ट होंगे। लेकिन सबसे पहले है कि चिन्हितीकरण जब तक नहीं हो जाता है और तब तक वैसे लोग उपेक्षित महसूस करेंगे, इसलिए समान तरीके से होना चाहिए। ये जो और क्या कुछ होना चाहिए, जो आंदोलन है आंदोलन के बदौलत झारखंड बना और मुख्यमंत्री भी मानते हैं, और कुछ आप लोग सुझाव देंगे मुख्यमंत्री को कि आंदोलनकारियों के हित में और बड़ा काम हो? जैसे हम लोगों ने दिया है कि उसको स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा में भी प्राथमिकता हम लोगों को मिलना चाहिए आंदोलनकारी के परिवार को, क्योंकि आने वाला समय झारखंड में झारखंड अलग राज्य के आंदोलन का जब हम बात बोलते हैं और आंदोलन के दरमियान जब हमको राज मिला तो इसे लोगों के स्वास्थ्य शिक्षा व्यवसाय से सब चीज़ों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये थे मथुरा प्रसाद महतो, जो लगातार झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए वर्तमान में विधायक हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में झारखंड आंदोलनकारियों को किस तरह का सम्मान मिलना चाहिए और जो देरी हुई है उस देरी को अंतराल को पाटते हुए आगे प्रयास करना चाहिए कि जिनकी बदौलत झारखंड राज्य का गठन हुआ उनको इस राज्य में गंभीर रूप से सुविधाएं मिले और उनको सम्मान मिले। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह, मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।